अमल, अफवाहों का बाजार गर्म ना होने दो, ये भी इसके अंदर मैं जल्दबाजी के अंदर शामिल कर रहा हूँ। वरना आज एक खबर आ गई, कल एक खबर आ रही, परसों एक खबर आ रही, तरसों एक खबर आ रही, रोज़ एक खबर आ रही, शाम एक खबर आ रही, सुबह खबर, सब पे मान के बैठा हूँ मुसलमान, सबको मान के बैठा हुआ है, सब पे उसको सब सब सही नज़र आ रहे हैं उसको। हाल ये है, अब अगर कोई बोल रहा तो बुरा लग रहा लोगों को, ये बहुत ज़रूरी है, जल्दबाजी से अब काम नहीं होगा, अब तो बहुत लंबा सब्र का काम है। और कुरान ने देखिए क्या फरमाया, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 83, कुरान क्या फरमाया था, गौर से सुनिए। अमरु मिनल अमनी अविल खौफी, जब तुम्हारे पास अमन और खौफ की कोई खबर आए, क्या फरमाया कुरान, जब तुम्हारे पास अमन और खौफ की कोई खबर आए, क्या फरमाया कुरान ने देखिए, अमरु मिनल अमनी वल खौफी, जब कोई खबर तुम्हारे पास कोई लाके दे अमन की या खौफ की, अमन मतलब अच्छाई की या कोई बुराई की खबर लाके दे रहा है, अविल खौफी, अदउ बिही वलौ रद्दहु इलर रसूली व इला उलिल अम्र मिनहुम, तो क्यों नहीं पलटा दी तुमने उस खबर को अल्लाह के रसूल की तरफ, और वो लोग जो तुम में जिम्मेदार थे, उल अम्र थे, कोई भी खबर आए तो कुरान क्या उसूल दे रहा सहाबा को उस जमाने में, कि आए तो क्या करो, फौरन अल्लाह के रसूल के पास आओ, चूंकि इनका डायरेक्ट वही आती है, इनसे क्रॉस वेरीफाई करो, अगर उनके पास कोई खबर ना हो तुम्हें जो जिम्मेदार हो, चूंकि अल्लाह के रसूल कभी किसी को जिम्मेदार बना देते थे, उनके पास क्यों नहीं आए तुम, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे पास नहीं है शख्सियत एतबार से, लेकिन सीरत के एतबार से आज भी मौजूद हैं, हम फिर पलट के जा सकते हैं उस सीरत की तरफ, इस हालत में क्या करना है, लेकिन हमारे कौम की जिम्मेदार अभी है। अस्सलामु अलैकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोजाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।